महात्मा गांधी ने संदेश दिया था कांग्रेस वालों को कि अभी लोकतंत्र आ गया, पक्ष कांग्रेस पक्ष को बर्खास्त करो, लेकिन नहीं किया। और संविधान के अपोजिट में जाकर, संविधान के बरखिलाफ में जाकर 1952 चुनाव लड़ा पक्ष और पार्टियों ने संविधान के अपोजिट में और चुन कर आ गए। तब से यह स्पर्धा से लग गई पक्ष और पार्टी। और आज सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, लुटारू है, टिकट दे दो पक्ष और पार्टियां, ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हो। टिकट नहीं दे रहे, उनका प्रचार करके चुन कर ला रहे। और आज हमारे संसद में 63 लोग दागी बैठे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 35 मंत्रियों में 15 मंत्री दागी है। क्या होगा देश का? जिन्होंने इस देश को चलाना, ऐसे लोग उधर जाकर बैठे संसद में, क्या होगा? इसलिए युवकों ने सोचना है। 50% युवकों का वोटिंग है। सभी देश के युवकों ने यह तय किया कि संविधान के मुताबिक हम पक्ष और पार्टी का गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू, ऐसे उम्मीदवार को वोटिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ चारित्रशील उम्मीदवार को वोटिंग करेंगे, जो चारित्रशील है और जनता ने सिलेक्शन किया है। ये अगर किया तो ऑटोमेटिक पक्ष और पार्टी तंत्र नेस्त नाबूद हो जाएगा और देश में लोकतंत्र आ जाएगा।